रेडी फेड़ी यूनियन हमीरपुर का प्रतिनिधि मंडल जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिला तथा ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की है कि टाउन वेडिंग कमेटी को नगर परिषद द्वारा चिन्हित नो वेडिंग जोन की जानकारी दी जाए। नगर परिषद कुछ रेहड़ियों का सीजनल किराया तो लिया जाता है, लेकिन उनका कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इस प्रकार की धांधली से भी पर्दा हटाया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो रेहड़ी वाले रेहड़ियों को आगे किराए पर दे रहे हैं, उनकी जांच भी की जाए। सीजनल रेहड़ी वालों की 50 रूपए प्रतिदिन पर्ची लेना दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन उसको लेकर वेडिंग कमेटी को विश्वास में नहीं लिया गया है। आगे से इस तरह की नजरअंदाजी पर लगाम लगाई जाए और कमेटी को विश्वास में लेकर ही निर्णय लिए जाएं। बारिश और धूप से बचने के लिए छत का निर्माण भी करवाया जाए। रेडी फेड़ी यूनियन के प्रधान ब्रह्मदास ने बताया कि रेडी फेड़ी वाले बारिश और धूप में अपने काम करते हैं, जिनसे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रेडी फेड़ी वालों के लिए छत का निर्माण करवाया जाए और साथ में बिजली की सुविधा भी दी जाए। उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगों को प्रशासन नहीं मानता है तो रेडी फेड़ी यूनियन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। हम सभी रेडी फेड़ी वाले जो है वो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के जो है वो डीसी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं, जिनमें से मुख्य है कि जो भी सीजनली लोग बाहर से जो है वो रेडी फेड़ी लगाने के लिए यहाँ आते हैं, सीजनली काम करते हैं, तो उनका जो है वो कुछ नगर परिषद जो है वो सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। पहले जो है वो 50 रुपये पर्ची कटती थी उनकी, बाद में वो बंद कर दी गई। पीछे डीसी साहब से टाउन वेडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उस पर्ची को बंद कर दिया गया था। बाद में नगर परिषद ने अपनी मर्जी से वो पर्ची शुरू कर दी बिना टाउन वेंडिंग कमेटी को जो है वो विश्वास में लिए हुए। और नंबर दो, ये जो रेडियां लगती हैं इनकी ना तो कोई टाइमिंग है ना कोई इनको जोन बांटे गए हैं। हमारे बार बार कहने के ऊपर भी जो है वो इनको जो है वो मतलब जहां मर्जी जो है वो खड़े हो जाते हैं, और यदि उनको वहां से कुछ कहें या हटाने के लिए बोलें तो ये जो है वो लड़ाई झगड़े में जो है उतार हो जाते हैं। इसलिए हरी प्रशासन से गुजारिश है कि इनकी जो है ये टाइमिंग फिक्स की जाए कि ये, क्योंकि ये मोबाइल रेडियो है, कितना एक जगह जो है कितना टाइम खड़ा हो सकती है, और इनको कुछ एरिया बांट दिए जाएं कि इतनी रेडियां जो है इस एरिया में रहेगी और इतनी रेडियां जो है इस जोन में रहेगी। मगर ऐसा भी आज तक कुछ नहीं हुआ। मीटिंगों में बार बार ये फैसले होते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं होते। ऐसी रेडियां बाजार में लगती हैं जो एक ही आदमी की 6-6 और 7-7 रेडियां हैं, मगर उनसे जो है किराया तो लिया जाता है मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मांग करते हैं कि धूप और बारिश से बचने के लिए जो है हम रेडी फड़ी वालों को छत का इंतजाम किया जाए, और जो कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी मतलब हमें सड़कों पर बैठती हैं तिरपालों के नीचे जो है वो और ज़्यादा गर्मी है, तो यदि हमें बिजली का भी इंतजाम किया जा सके तो हो सकता है कि हम छोटा मोटे पंखे लगा कर भी अपना जो है वो आराम से काम कर सकें। धन्यवाद। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है और नहीं सुनाई होती है तो फिर हम इसके लिए धरना देंगे, ये सब ऐसे भी मिलेंगे, और नहीं माना गया तो उसके लिए धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे।